हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदमी। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी स्पेशली फॉर द बिगनर कैंडिडेट। तो जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर का एग्जामिनेशन तो हो गया है, जो हमारा अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा वो होगा CSIR जून 2024 एग्जामिनेशन। तो इस एग्जामिनेशन के लिए मोटे मोटे हमारे पास 6 मंथ है। तो 6 मंथ में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से स्टेप बाई स्टेप जाके हम अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट मेंशन करूंगी, तो अगर आप चाहें तो उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आई होप कि वो सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं एग्जाम स्कीम भी डिस्कस कर दूंगी। जैसा कि हमें टाइटल में पता है कि ये बिगनर कैंडिडेट्स के लिए है, तो जब सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा समझना, सिलेबस के बारे में थोड़ा समझना, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपनी स्ट्रेटेजी को डिजाइन करेंगे। तो इसीलिए हम एग्जाम स्कीम के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एंड यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस क्वेश्चंस के कैसे हैं। तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद कुछ एक सामने कंक्लूजन आया है, जिससे पता चला कि भाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो आगे चल के एक स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। फिर फाइनली हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स भी मेंशन कर दी है, नेम ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक। अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन बुक्स के थ्रू भी जा सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका कंप्लीट जो नेम है वो है ज्वाइंट CSIR UGC नेट। ये बेसिकली दो बॉडीज है, एक CSIR और सेकंड होता है UGC। अब यहाँ पर एक कैटेगरी है, दैट इज CSIR GRF। अगर आप CSIR GRF को क्वालिफाई करेंगे तो आप फेलोशिप और लेक्चरशिप दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं। वहीं पर UGC GRF को भी अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो अगेन आप फेलोशिप एंड लेक्चरशिप दोनों के लिए एलिजिबल है। अब ये जो CSIR एंड UGC है, अब होता क्या है कि जैसे आप सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप लाइफ साइंस से एग्जामिनेशन दें, अगर आप फिजिकल साइंस से दें, मैथमेटिकल साइंस से दें, केमिकल साइंस दें, तो वो सारे एग्जाम आपके CSIR कंडक्ट करता है। वहीं पर अगर आप UGC की बात करें तो जैसे अगर आप एनवायरमेंटल साइंस से दें या ज्योग्राफी, जो आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे आपके UGC के थ्रू लिए जाते हैं एग्जामिनेशन, तो इस तरीके से। लेकिन अगर आप GRF कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे तो आप दोनों चीजों के लिए फेलोशिप और लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है। वहीं पर अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो केवल लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल है। और ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाता है NTA के थ्रू, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आजकल सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है। अब थोड़ी सी हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कैसे कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल रहेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए, अगर आप MSc के कैंडिडेट हैं, अगर आप इनरोल्ड हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आप सेकंड ईयर में हैं, या फिर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। ऑल्दो हम लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं तो आपकी जो MSc है वो लाइफ साइंस से होनी चाहिए। अब चाहे आप बॉटनी में हो, जियोलॉजी में हो, न्यूरो साइंस में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, सारे सब्जेक्ट में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप इंटीग्रेटेड BS MS के स्टूडेंट हो सकते हैं। फोर्थ ईयर जो बैचलर ऑफ साइंस होता है, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि हमने ऑनर्स BSc ऑनर्स करा है, तो मतलब अगर आपने किसी सब्जेक्ट से BSc करा लेकिन वो आपका फोर्थ ईयर का कोर्स था, तो आप उसके लास्ट ईयर में, अगर आप फोर्थ ईयर में है, लास्ट ईयर में है, या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट है कि आपने एग्जामिनेशन दे दिया है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस कैटेगरी में है तो भी आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। अगर आप BTech में हैं, B Pharma में हैं, तो उसके फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं आप, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप MBBS के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एज लिमिट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब है क्या कि जैसे मैंने पहले ही मेंशन करा कि एग्जामिनेशन की दो कैटेगरी, एक JRF है, एक नेट है, तो JRF के लिए यहाँ पर एक एज लिमिट को डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी में है, और स्पेशली ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप 28 ईयर तक ही इस एग्जामिनेशन, मतलब JRF के लिए एलिजिबल होंगे। एग्जाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 28 ईयर के हैं तो ही आपको JRF जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा। वहीं पर अगर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं, तो भले ही आप जनरल में हो, SC ST OBC, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 28 ईयर के अलावा प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। अगर आप SC ST थर्ड जेंडर या फिर PWD में है तो अगेन आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। OBC में अगर आप नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी में है तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, लेकिन अगर आप नॉन क्रीमिलेयर में नहीं है तो अगेन आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपको नहीं होगा, और आपकी JRF की एज लिमिट जो है वो 28 ईयर तक होगी। और लेक्चरशिप के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, आप अपनी किसी भी एज में ये जो CSIR नेट है उसका एग्जाम देके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस JRF के लिए जो है वो एक एज लिमिट डिफाइन की गई है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न,
तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये जो एग्जाम है ये एक ईयर में दो बार कंडक्ट किया जा रहा है। कोविड के टाइम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ था, लेकिन अब ये जो एग्जाम है अपने उसी पैटर्न पे आ चुका है, और मे बी अपकमिंग ईयर में भी ये एक बार में, एक साल में दो बार ही कंडक्ट किया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जामिनेशन होता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, और एमसीक्यू में भी आपके मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन और डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ड्यूरेशन की अगर आप बात करें तो 3 आवर्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 145 है, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं केवल और केवल 75 क्वेश्चन, और इस तरीके से उन 75 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो है वो 200 होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिकली 200 मार्क्स का होता है। अब क्वेश्चन पैटर्न को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन पैटर्न में क्या होगा कि आपके 3 पार्ट में पूरा क्वेश्चन डिवाइड होता है। अब ये बता इसीलिए रही हूं क्योंकि अब स्ट्रेटजी हमें इसी बेसिस पे बनानी है ना, कि हमें किस तरीके से किस पार्ट को पढ़ना रहेगा, कैसे हम 6 मंथ में स्टेप बाय स्टेप किस सेक्शन या फिर कौन सा, जैसे डेप्थ ऑफ कवरेज या एक्सटेंट ऑफ कवरेज पे ध्यान देना है। तो जो पार्ट ए होगा उसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके कितने 2 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं पर पार्ट बी में देखेंगे तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, अगेन हर एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा। और पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होंगे, जहां पर मार्क की अगर बात करें तो आपको 4 मार्क का हर एक क्वेश्चन मिलेगा। अटेम्प्ट कितने करने हैं, जैसे अभी कितना था टोटल 145 क्वेश्चन थे, 75 अटेम्प्ट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्ट ए में 20 में से केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पार्ट बी में 50 में से 35 क्वेश्चन, और पार्ट सी में 75 में से केवल 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से 15 + 35 + 25 = 75। तो टोटल जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो 75 का होगा, और टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में है, तो पार्ट ए में जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, गलत करेंगे तो 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। पार्ट बी में अगर देख लेंगे तो अगेन 0.5 आपके मार्क डिडक्ट करेंगे, और पार्ट सी में अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क्स जो है वो लिया जाएगा या डिडक्ट किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में होती है। अब सिलेबस जो है 3 पार्ट है। पार्ट ए में जो है वो जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसमें जनरल साइंस है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है। पार्ट बी और सी के लिए कॉमन सिलेबस है, जिसमें टोटल 13 यूनिट है। यूनिट 1 में बायोकेमिस्ट्री है, यूनिट 2 में आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट 3 है फंडामेंटल प्रोसेस, यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डायवर्सिटी लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी। तो इस तरीके से टोटल आपकी 13 यूनिट्स हैं, और बाकी आपका जर्नल एप्टीट्यूड का एक पूरा, या फिर आप एक यूनिट जर्नल एप्टीट्यूड को मान लें, तो पूरी टोटल आपकी 14 यूनिट्स जो है तो CSIR के लिए आपको कवर करनी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन यूनिट्स मेंशन करी। अब कॉमन यूनिट कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिन्हें आपने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो जैसे आपकी एक बायोकेमिस्ट्री है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, फंडामेंटल प्रोसेस है, सेल कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये है आपके कॉमन यूनिट। तो आपको करना क्या है, प्रिपरेशन के दौरान आप कोशिश करिए कि इन यूनिट्स को आप पहले टारगेट करिए, एंड सेकंड होती है आपकी अदर यूनिट, जिसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती है, प्लांट फिजियोलॉजी आती है, एनिमल फिजियोलॉजी आती है, यूनिट 9 मतलब डायवर्सिटी लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड एवोल्यूशन। तो ये जो यूनिट्स है, अदर यूनिट या स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है। अगर आपने अपना जो MSc है वो प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब अगर आपने बॉटनी से किया है तो आप उसमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अगर आपने जूलॉजी से किया है तो आप एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहीं पर अगर आप एनवायरमेंटल साइंस से आपने स्पेशलाइजेशन किया है तो आप एनवायरमेंटल साइंस मतलब इकोलॉजी और एवोल्यूशन वहां पर ज्यादा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि इन यूनिट को आपको छोड़ना है, लेकिन जस्ट ये मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने ये यूनिट्स पहले जरूर ही पढ़ी हैं, तो आप पहले इनको ही टारगेट करिए, और रेस्ट यूनिट जो है आपको उसके बाद टारगेट करनी है, लेकिन टारगेट जरूर करनी है। अब ये देखिए यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, कुछ एनालिसिस है।
इसके साथ साथ जो अभी एग्जाम हुआ था तो बच्चों ने जिस तरीके के कंपैरिजन बताए, तो उस बेसिस पे क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, हर एक यूनिट का एक इक्वल वेटेज है, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड यूनिट से पूछे गए हैं। मतलब कि ये है कि यूनिट वन एंड यूनिट टू के कुछ कंसेप्ट को मिक्स करके कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। तो इस बार जब आपको प्रिपरेशन करनी है तो आपको थोड़ा अपडेटेड फॉर्म में प्रिपरेशन करनी है। आपको ये नहीं कि 7 से 8 यूनिट टारगेट कर ली और हो गया, नहीं। अगर इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अगर आपने यूनिट 1 पढ़ा है, यूनिट 7, 8, 9 इस तरीके का नहीं पढ़ा और उससे रिलेटेड उसका भी कंसेप्ट उसमें डाल दिया गया, तो आप उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एटलीस्ट 11 यूनिट्स तो किसी भी हाल में टारगेट करनी है, 2 यूनिट को अगर आप छोड़ भी रहे हो उसके बाद, नहीं तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट 11 to 12 यूनिट आप टारगेट करें ही करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से भी ये समझ में आता है कि हर एक यूनिट का जो है इक्वल वेटेज है। ऐसी कोई यूनिट नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, या फिर ऐसा है कि केवल एक ही क्वेश्चन आया और बाकी किसी यूनिट से सारे क्वेश्चन रख दिए, तो ऐसा नहीं है। हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज है, इसीलिए आपको प्रिपरेशन जो है उसी बेसिस पे करनी है, थोड़ी सी अपडेटेड फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं 6 मंथ स्ट्रेटेजी के लिए, जिसके लिए हम इस वीडियो पे जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या मेंशन करा है, 6 मंथ स्ट्रेटेजी। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी है उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। अगर आप ये सोचे कि मुझे CSIR की प्रिपरेशन करनी है और मैं केवल 6 मंथ में बेसिक भी पढ़ लूं, इन डेप्थ भी पढ़ लूं और मेरा क्वालिफाई हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल है। तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो कितने लेवल तक क्लियर है। अब हो सकता है कि आपके बेसिस अगर 50% क्लियर है तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि प्रिपरेशन भी करो, साथ ही साथ अपने बेसिक्स भी पढ़ लिए जो आप पे नहीं आ रहा है, जो आपने पहले नहीं पढ़े हुए। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके बेसिक्स बिल्कुल जीरो है और आपको जीरो से प्रिपरेशन करनी है, तब आपको ये जो स्ट्रेटेजी है आफ्टर 6 मंथ जब आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लें उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, एक चीज। और बेसिक्स को कैसे क्लियर करना है उसका एक बहुत रिफाइंड सा तरीका है जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपके लिए शायद वो बेनिफिशियल भी हो जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके बेसिक्स अच्छे से क्लियर है। अब हमें CSIR के लिए क्या इन डेप्थ में पढ़ना है, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले जो आपका मंथ होता है जिसे कहा जाता है 1 to 2 मंथ, जिसे फाउंडेशन बिल्डिंग कहा जाता है, मतलब आपको करना क्या है इस वाले मंथ में, आपको सबसे पहले सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, मतलब आपको देखना है सिलेबस को अच्छे से, उसके टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक और सब टॉपिक होंगे जिन पे आपकी काफी अच्छी कमांड होगी, और कुछ ऐसे टॉपिक और सब टॉपिक होंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे, तो आपको एक आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, हो सकता है कि केवल 20% ऐसे टॉपिक हों जो आपके वीक टॉपिक हों, और ऐसा भी हो सकता है कि 80% ऐसे टॉपिक हो जो आपके बिग टॉपिक हो। तो जैसे ही आप एनालिसिस करेंगे तो आपके पास एक रफ आइडिया होता है कि अच्छा मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि CSIR की प्रिपरेशन 1 या 2 महीने में नहीं होती। जब आपको अपनी इनिशियल स्टेज पे ही पता होगा कि ये मेरे बिग टॉपिक है या फिर मेरा 80% सब्जेक्ट जो है वो वीक है, सिलेबस वीक है, तो मुझे उस हिसाब से जल्दी जल्दी और एफिशियंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, तब जाके आप एक इफेक्टिव प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीधा सा प्रिंट आउट निकाल लो सिलेबस का, जिससे अपनी स्टडी टेबल पे रख लीजिए और आपको पता चले कि हाँ मैंने जो जो चीजें कवर कर ली है, जो जो अच्छे से आती है उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये हो गया, जो जो बची हुई है उनको दूसरे कलर से हाईलाइट करके साइड में रख दीजिए। फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप मटेरियल को गैदर करना है, मटेरियल को कलेक्ट करना है। तो होगा क्या कि जैसे मटेरियल कलेक्शन एक बहुत क्रूशियल सी थिंग है सेल्फ स्टडी वालों के लिए, मैं कह रही हूँ। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीचर ही आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको मटेरियल कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो मटेरियल कलेक्शन में क्या क्या, एक तो टेक्स्ट बुक होंगी, कुछ रेफरेंस मटेरियल होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन वेबसाइट, जहां से भी आपको मिले। अगर हो सके तो प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो ऑनलाइन बाकी आपका हो जाएगा काम। टेक्स्ट बुक भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद कुछ रेफरेंस मटेरियल, जैसे कि हमें पता है कि CSIR में काफी सारे जो क्वेश्चन है वो अपडेटेड फॉर्म में आते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं, तो वो कौन से क्वेश्चन है ये भी मैं बाद में बताऊंगी कि कौन सा। ऐसा नहीं कि पूरा रिसर्च पेपर पढ़ना है, जी नहीं, क्वेश्चंस जो है हमेशा एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, तो किस तरीके के रिसर्च पेपर से CSIR के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो आपको करना क्या है कि सिंपली जो जो चीजें हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस मटेरियल है, पीवाईक्यू, इन सबको आपने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस रेफरेंस बुक में से आपको कंटेंट को शॉर्ट करना है। यहाँ पर आपका टाइम जाता है कि आपको कितना पढ़ना है। इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा अगर आपके पास कम टाइम है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में बहुत समय आपका निकलता है कंटेंट को शॉर्ट करने के लिए। फिर तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि क्रिएट कर लेना है आपकी एक स्टडी प्लान को। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने सिलेबस को डिवाइड एनालिसिस करा तो आपको एक चीज समझ में आई, अच्छा मेरा 80% सिलेबस जो है वो अभी वीक पार्ट में, मतलब 20% ऐसे टॉपिक है जो मेरे कवर हो जाएंगे या मैंने पहले से अच्छे से पढ़ के रखे हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है कि सेक्शन वाइज सारी चीजों को डिवाइड कर देना है और हर एक सेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम दे देना है। जैसे आप देखेंगे यूनिट वन, उसमें आपको 5 से 6 सेक्शन मिलेंगे। वैसे ही अगर आप यूनिट टू की बात करें तो अगेन आपको 5 से 6 सेक्शन मिलेंगे। तो हर एक सेक्शन के लिए आप एक टाइम अलॉट कर दीजिए और वो आपका जो स्टडी प्लान है वो इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि उसको आपको फॉलो करना है पूरे आपके 6 मंथ तक। तो जैसे फर्स्ट मंथ में आपको जैसा जैसा अपना स्टडी करना है, जैसे जैसे कोर कंसेप्ट को पढ़ना है, वो सारा आप एकदम डिसाइड कर लीजिए और जहां पर भी जो आपका स्टडी रूम है वहां पर चिपका दीजिए कि भाई बिल्कुल मुझे इस तरीके से, अगर मैंने सोचा कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे उसी चीज को रिवाइज करना है और मुझे कुछ सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, तो उस चीज के लिए आप एकदम लिख दीजिए पेपर पे और उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करिए। और ये जो क्रिएट करना है स्टडी प्लान, एक रियलिस्टिक होके करना है। ऐसा नहीं कि लिख दिया हम 16 घंटे पढ़ेंगे और पता चल रहा है फिर 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाए, तो ये चीज नहीं करनी है। बिल्कुल रियलिस्टिक होके, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो कितना आपका टाइम बच रहा है उसको, लेकिन प्लान जरूर करो। क्योंकि जब हम किसी चीज को प्लान करते हैं ना तो होता क्या है, जब हम रात को सोते हैं ना तो हमारे माइंड में चल रहा होता है अच्छा सुबह उठ के हमें ये करना है, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि यार सुबह देखा जाएगा क्या करना है, तो आपके आराम से 2 से 3 घंटे उसी में जाते हैं कि मैं ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं। लेकिन जब आपके पास एक टाइमलाइन होती है तो आपको पता रहता है अच्छा इस डे मुझे ये करना है, दूसरे डे ये करना है, तीसरे डे ये करना है। तो जो आपका स्टडी प्लान है वो मस्ट बी देयर, वो आपको करना ही करना है। अब जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि आपने बेसिक्स तो वैसे भी अपने क्लियर कर दिए हैं, तो अब आपको कोर कंसेप्ट पे फोकस करना है। मतलब पहले आपको इनडेप्थ या फिर एडवांस चीजों पे नहीं जाना, पहले आपको पढ़ लेने हैं सारे कोर कंसेप्ट। हर एक यूनिट में, हर एक सेक्शन का एक कोर कंसेप्ट होता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमें प्रोटीन पढ़ना है, उससे पहले हमें पढ़ना होगा अमाइनो एसिड्स। तो जो अमाइनो एसिड्स है, जो बायो मॉलिक्यूल्स है, वो उसके कोर कंसेप्ट है। तो उनको आप सबसे पहले पिकअप करिए, क्योंकि वो जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कराता है आपकी स्टडी में। डेली रिवीजन बिल्कुल आपको करना है, एक टाइम अलॉट कर दीजिए। और आपके लिए रात का टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है कि आपने दिन भर जो स्टडी करी और लास्ट में 1 से 1.5 घंटे केवल आपको रिवाइज करना है, और रिवीजन में बिल्कुल समय नहीं जाता। लेकिन रिवीजन अगर आप आज से ही अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं तो आज से ही आपको रिवीजन करना रहेगा। क्योंकि अगर आप सोचें कि अभी मैं पढ़ लेता हूँ, रिवीजन मैं लास्ट के 1 से 2 महीने में करूंगा, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम किसी चीज को एक बार पढ़ते हैं ना तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लेकिन जब 2-4 घंटे बाद हम उस चीज को दोबारा पढ़ लेते हैं ना तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर कोई चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुकी है तो उसको आपको निकालने में ज्यादा समय या फिर ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा और आप सोचे कि मैं 4 महीने जाके फिर इकट्ठा उसका रिविजन करूंगा, या जब मेरी पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तब मैं रिवाइज करूंगा, तो दोबारा आपको उसी कंसेप्ट को पढ़ने के लिए उतना ही टाइम देना होगा। तो ये कैंडिडेट हमेशा गलती करते हैं कि पढ़ते जाते हैं और रिवाइज नहीं करते। इसी वजह से 3 साल 4 साल 5 साल लगे रहते हैं और उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी लैकिंग है रिविजन की। तो आपको करना क्या है कि अगर आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे उसी चीज को आपको रिवाइज कर लेना। दूसरे दिन जब आप पढ़ोगे तो दूसरे दिन का जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, पहले दिन का बस थोड़ा देख लिया, ज्यादा टाइम नहीं दिया। तीसरे दिन जो पढ़ा उसको सबसे पहले रिवाइज करो, पहले दूसरे दिन का बस थोड़ा सा देख लिया। इस तरीके से आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क हो जाएगी। फिर जो आपका तीसरा और चौथा मंथ होता है उसे कहा जाता है इंटेंसिव स्टडी पीरियड। एक्चुअली यही 2 महीने होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारा अपकमिंग रिजल्ट कैसे होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड मंथ होता है ना, उसमें तो हमारा यहाँ वहां घूमने में ही टाइम निकल जाता है, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये सही पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, ये सही होगा कि नहीं होगा, है ना।
लेकिन जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ मंथ है, अगर आपने उसमें अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है बेटर बनाने वाले ये 3 और 4 महीने, मतलब थर्ड मंथ से जो आपने स्टडी करी और बाकी लास्ट तक यही जो मंथ है वो आपका डिसाइड करते हैं। जैसे जो मैं आपको प्लान बता रही हूँ, बाई चांस आपने उसको फॉलो कर लिया, तो होगा क्या, थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आप अब इन डेप्थ स्टडी पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स हमने पहले पढ़ लिए थे, कोर कंसेप्ट हमने पढ़ लिए, और सीएसआईआर के लिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इन डेप्थ स्टडी करना शुरू कर दिया। वैसे अगर आपने 2 महीने में 3 से 4 यूनिट्स पढ़ ली, और अगर आप किसी एजुकेटर या इंस्टीट्यूट के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ज्यादा यूनिट कवर हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है कि उन्हीं चीजों को, टीचर तो अपने साथ पढ़ा ही जा रहा है, उसके साथ साथ आप उन्हीं जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनका आप इन डेप्थ स्टडी करना भी शुरू कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, थर्ड एंड फोर्थ मंथ से ही प्रैक्टिस कर देनी है पीवाईक्यू की। आप पहले और दूसरे ईयर में पहले और दूसरे मंथ में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस ना करें, मतलब करने के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, अगर प्रिपरेशन नहीं होती, हम बिगनर कैंडिडेट हैं, तो जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आता जाता तो कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो वहां टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि 2 मंथ एटलीस्ट 3 से 4 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो कुछ तो आप पे बनेगा, तो जब आप पे बनेगा ना तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है। तो अब आपको लेकिन थर्ड एंड फोर्थ मंथ से शुरू कर देना है पीवाईक्यू। रीजन ये है, अगर आप ये भी सोचे कि नहीं मैं पूरा पढ़ लूं वो 5th मंथ में शुरू करें, तो जो आपकी गलतियां हैं उनको सुधारने का आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ मंथ में करना शुरू करोगे, आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लोगे, और जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी मिस्टेक्स को, अपने वीक एरिया को, तो अब आपके पास टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है 3 से 4 महीने का, तो आप अपनी उन मिस्टेक्स पे काम भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट कौन से, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट यूनिट आपकी कवर हो गई फर्स्ट यूनिट से, क्योंकि यूनिट वाइज आजकल मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छी वेबसाइट के मॉक टेस्ट दीजिए, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठ के दे दिया, क्योंकि सीएसआईआर में क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा अलग तरीके से आता है। तो जहां पर भी कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है वहां से आप मॉक टेस्ट की सीरीज ले सकते हैं। और आपको सिंपली करना क्या है कि हर एक यूनिट वाइज, अगर एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, 2 यूनिट कर लिया 3 यूनिट कर लिया, थर्ड एंड फोर्थ मंथ में उसका मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो आपका बताते हैं अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन, कि आपका कितना अप टू द मार्क प्रिपरेशन है, और आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, और आप फिर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने कुछ ऐसे एरिया जो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसे कंसेप्ट जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप अगेन हमारे पास वो आप उनको नोट डाउन भी करना है उन सारी चीजों को। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट पोर्शन से आया, अच्छा ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्यों समझ में नहीं आई, तो उसको साइड में रख लीजिए और फिर उस पर मेहनत करना शुरू करना है। इसके अलावा अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, तो ग्रुप में जरूर थोड़ा सा डिस्कशन करें, रदर देन कि एक ही चीज को पढ़ने में 3 से 4 घंटे लगाना। नहीं, अगर ऐसा कुछ है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप उससे सैचुरेट हो चुके हैं, तो उसको जाने दीजिए, थोड़ा सा डिस्कशन करिए, ग्रुप स्टडी करिए, तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। फिर नेक्स्ट मंथ जो है दैट इज 5th मंथ। ये जो 5th मंथ होता है वो होता है आपका रिविजन एंड रिफाइनमेंट पीरियड। इसको मैंने इसीलिए नाम दिया है क्योंकि अगर आप ये भी सोचे कि मैं लास्ट के 15 डेज में रिवीजन कर लूंगा या कर लूंगी, तो नहीं हो पाता, क्योंकि सीएसआईआर में टोटल 13 यूनिट है। अगर आप हर एक यूनिट के लिए 2 से 3 दिन भी दोगे तो आपकी 11 से 12 यूनिट ही कवर हो पाएंगी 13 डेज में, 30 डे में, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि 1 से 1 महीने का तो आपको डेफिनेटली रिवीजन करना है, और रिवीजन जो है इंटेंसिव रिवीजन, मतलब हर एक टॉपिक को रिवाइज कर डालो, सारे जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं जो आपके वीक एरिया आपने आइडेंटिफाई करे थे मॉक टेस्ट के दौरान, उन सारी चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज कर लेना है, केवल रिवाइज कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको 5th मंथ में, अब क्या है, थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपने यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दिए हैं, जैसे आपका 5th मंथ आया, अगेन आप टाइम्ड मॉक टेस्ट दीजिए, मतलब जैसे क्वेश्चन अलॉट होता है ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट कैसे होते हैं कि वो आपको टाइमिंग देते हैं 2 से 3 मिनट का, 1 से 2 मिनट का, तो उस तरीके के मॉक टेस्ट कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको 30 क्वेश्चन दिया, आपको 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक शिफ्ट होते जाते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी स्पीड कैसी है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार वो जो 30 क्वेश्चन है वो तो मैंने 1.5 घंटे में सॉल्व कर पा रहे, 1 घंटे में सॉल्व कर पा रहे, तो आपको करना क्या है ना कि उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये वाले मॉक टेस्ट भी आपको, जो टाइम्ड मॉक टेस्ट कहलाते हैं, वो आपको जरूरी देने हैं, लेकिन 5th मंथ में, जब उसके पहले आपने सिंपल मॉक टेस्ट दे दिए हैं।
फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना। अब ये शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये आपने ये जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनके, क्योंकि देखिए शॉर्ट नोट में आपको जब आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं तब तो आप बनाएंगे, लेकिन अगर आपने उस समय नहीं बनाए हैं तो कुछ ऐसे कंसेप्ट, जैसे जब हमने पीवाईक्यू सॉल्व करा, हमने मॉक टेस्ट सॉल्व करा, तो कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जिनके क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो जो हमने राइट डाउन करे हैं थर्ड एंड फोर्थ मंथ में, अगर हम उनको पढ़ने बैठे तो मैं उनके शॉर्ट नोट की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो आपके ऐसे शॉर्ट नोट है जो आपके कौन से जो बीकर एरिया के थे वो आपने आइडेंटिफाई करके बनाए हैं, तो आप उनको हाईलाइट करिए, फॉर्मूला कंसेप्ट और शॉर्टकट के फॉर्म में लिखिए। अब एक नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आएगी या मुझे टाइम रहेगा तो मैं जरूर बनाऊंगी कि एक ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट नोट आप कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बनाने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है वो सिक्स मंथ है, दैट इज फाइनल प्रिपरेशन। तो अब इस मंथ में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा नई चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि हमने रिविजन भी कर लिया है। लास्ट का जो मंथ है उसमें आपको क्या करना है कि जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मतलब जो 145 क्वेश्चन वाले मॉक टेस्ट है, बैठ जाना है और उनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, आप दो दिन में एक ही क्वेश्चन जो है पेपर उसको सॉल्व करिए, तो इस तरीके से टोटल जो है आप 15 जो है वो सॉल्व कर लेंगे, और एक महीने में अगर आप 15 भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा है। और 15 टाइम आपने एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करा है जैसे CSIR आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ आपको एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक, किस तरीके की मिस्टेक, कुछ इस तरीके की कि क्या आप प्रॉपर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप उसको समझ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में हम कैसा पढ़ते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू, नॉट को आइडेंटिफाई कर लेते, मतलब नॉट को छोड़ देते हो, ट्रू मतलब इस तरीके के होते हैं कई बार क्वेश्चन, तो पूछा गया है नॉट ट्रू लेकिन ट्रू जो है स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली, तो क्या इस तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, क्या कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है जिसे मैं मिस इंटरप्रिटेट कर रही हूँ, वो चीज देखनी है। और फिर नेगेटिव मार्किंग को भी थोड़ा सा देखना है कि क्या, क्योंकि जो 145 का हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद हमारे पास हमारी पूरी आंसर की या जो जितने आपने मार्क्स ऑप्टेन करे वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरे कितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं। अगर उसमें ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन को क्या मैं प्रॉपर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके की जो मिस्टेक्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और अगर इस मंथ आप रिविजन कर रहे हैं तो रिविजन जो है ना वो फास्ट होना चाहिए, किस तरीके का, केवल जो फॉर्मूला है कंसेप्ट्स हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लेना है और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा लास्ट मंथ में बिल्कुल कहा जाता है कि हेल्दी रहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और पॉजिटिव रहना है, तो इससे रिगार्डिंग वीडियो तो जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि कैसे आप पॉजिटिव रहिए, स्टे हेल्दी रहिए। लेकिन आपको करना क्या है कि ये जो पूरे पॉइंट्स है, जब आप अपना स्टडी प्लान बनाओ तो इनमें से जो भी आपको पॉइंट बेनिफिशियल लग रहे हो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए हर एक कैंडिडेट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, तो आप किसी स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट इंक्लूड कर दीजिए। लेकिन अगर आप सोचे कि आप पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आपके, मतलब जरूरी नहीं है कि आप इस स्ट्रेटजी में ऑप्ट हो पाए, क्योंकि ये वो स्ट्रेटजी है, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी तो उस दौरान मैं इन सारी चीजों को पूरा फॉलो करती थी और तब जाके जो है मुझे उससे काफी एडवांटेज हुआ, इसीलिए ये चीजें मैंने आपके सामने रखी। अगर आप चाहें तो इनके कुछ पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अपनी एक स्ट्रेटजी जरूर बना लीजिए। सिक्स मंथ के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है ये आपको जरूर बना लेनी है। अब ये कुछ जनरल टिप्स है, ये तो आपको करनी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। देखिए CSIR एक काफी बड़ा एग्जामिनेशन है, अगर आप ये सोचें जैसे मैं एक महीने दो महीने में पढ़ के दे दूंगा या दे दूंगा, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इवन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ एक दो एक्सेप्ट होते हैं एक्सेप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही कैंडिडेट ऐसे, अगर हम कॉमनली देखें तो भाई सबको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कंसिस्टेंट होना, कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, आपको वो चीज, आप कितने ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेके कंटिन्यूड है, वो चीज बहुत जरूरी है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं एक दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ूंगा फिर रिवाइज करूंगा रिकॉल करूंगा, तो वो चीज आपको जरूर ही इंक्लूड करनी है। अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, जैसे अगर आप जून 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इसी बीच आपका गेट का एग्जामिनेशन भी होगा, DBT होगा, ICMR होगा, ICAR होगा, तो आपको करना क्या है ना कि इन सारे क्वेश्चंस पेपर को एक बार जरूर देखिए, 2024 के जो क्वेश्चंस पेपर है उनको, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा किस तरीके के अपडेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं।
तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, स्पेशली मैं 2010 टू 17 की बात करी, वो बस प्रैक्टिस के लिए मानिए, बाकी का जो 17 के बाद है वो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन है जो अपडेटेड क्वेश्चन, आप उसको मान सकते हो। गाइडेंस के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई आपको डिफिकल्टीज हो रही है, तो अपनी दिमाग में ही उसमें 2 से 4 घंटे देने से अच्छा है कि आप अपने किसी टीचर से, मेंटोर से डायरेक्ट बात कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन काफी सारे फोरम है, अगर आपको किसी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है सिंपली उसको सर्च कर लीजिए, अननेसेसरली अपने दिमाग में घुमाने से कुछ नहीं होगा, है ना। फिर रिवाइज करना है रेगुलरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सोचे कि मैं आज पढ़ लूं फिर 2-4 महीने बाद रिवाइज करूंगी कुछ नहीं होगा, पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। करना क्या है कि जो भी चीज पढ़ी है उसको उसी के उसी दिन रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और आपको पढ़ना चाह रहे हैं थोड़ा इन डेप्थ, तो इन बुक्स को आप जरूर प्रेफर कर लीजिए। यूनिट 1 के लिए 2 बुक है, लेलिंजर और बॉयट एंड बॉयट, जो बायोकेमिस्ट्री की काफी अच्छी बुक्स है। सेल बायोलॉजी और मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए बुक है लोडिश की, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। फिर एक कार्प की बुक है, अगेन ये यूनिट 2 एंड 3, मतलब मॉलिकुलर एंड सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स आपको इसमें मिलेंगे। ये वॉटसन की बुक है, मतलब जीन वाय वॉटसन, तो ये भी काफी अच्छी बुक है अगर आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़नी है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप प्रेस्कॉट को प्रेफर कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए है तेजन जिगर। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए है टॉर्टोरा। और ये कुछ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए गार्डनर एक अच्छी बुक है, आई जेनेटिक्स बाय रोजेल, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। यूनिट 12 एंड 13 अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए 2 बुक्स है, एक टीए ब्राउन है, डिल्सन एंड बोकर, आप इनके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी रिटमैन की बुक है, एंड कैम्बेल बायोलॉजी है, तो आप इन दोनों बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये सेल्फ स्टडी की बात होगी। अगर आप ऑनलाइन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो एक इंस्टीट्यूट वैदमी भी है, तो बेदमी से भी आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बेदमी लेके आया है आपको CSIR June 24 लाइफ साइंस के लिए एक बैच, जहां पर आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी, जैसे लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, PDF नोट होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, तो आप इनरोल्ड हो सकते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं वो 8 जनवरी से शुरू होने वाली है, और अभी जो ऑफर चल रहा है वो 20% ऑफर है जो आपका 8 जनवरी तक चलेगा, तो आप बिल्कुल इनरोल्ड हो सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको काफी सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपकी हर एक यूनिट्स के लिए, 2 या 3 यूनिट को एक एजुकेटर जो है वो डील करेगा, तो जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 प्लस में जर्नल एप्टीट्यूड, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो बिल्कुल आप वेदमी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे बस स्ट्रेटेजी के बारे में बताना था, तो आपको करना क्या है कि इन सारे पॉइंट्स को आप देख लीजिए, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है आप बिल्कुल इंक्लूड करें, और अपनी एक स्ट्रेटेजी जरूर बनाएं 6 मंथ के लिए कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, एक स्टडी प्लान जरूर क्रिएट करें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बात करूंगी कि हाउ टू क्लियर द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स में भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो मैं कुछ आपको गाइड कर दूंगी कौन सी ऐसी वेबसाइट है या कौन सी ऐसी बुक्स है जिनके थ्रू पढ़ के आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में बस स्ट्रेटजी ही था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।